अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लबनानी कबाब। इसके लिए हमने 150 ग्राम चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन लिया। इसको हमने नमक डाल के उबाल लिया और उबाल के अब इसका मिक्सर में डाल के कीमा बनाएंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने उबाल लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 2 पैकेट हमने नूडल्स लिए हैं, 1 चम्मच से कम लाल मिर्ची तीखी ली है, 1.5 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच के करीब हमने जीरा लिया है, 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ली है और 1/2 चम्मच हमने नमक लिया। नमक इसलिए कम लिया है क्योंकि इसमें हमने चिकन में डाल के नमक पकाया था और मैगी में भी जो मसाला होगा वो भी डालना पड़ेगा इसी में, इसलिए मैगी के मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा और मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप खाते हैं उतना डालिएगा। और तलने के लिए तेल और 2 अंडे लिए। ये हमने आग जला के पैन रख दिया, इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी जब खोल जाएगा तो इसी में नूडल्स डाल के पकाएंगे। पानी खोल गया, इसमें अब हम मैगी डालेंगे और साथ ही इसमें इसका मसाला भी डाल देंगे। देखिए नूडल्स हमारे पक गए हैं, अब गैस बंद करके इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। 3 आलू को हमने ग्रेट कर लिया था और ये चिकन को हमने मिक्सर में पीस लिया था। ये हम डालेंगे, इसमें सब मसाले डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। जो हमने मिर्ची और प्याज का जो मिक्सर बनाया वो पीसा था, इसको हम इसका सब पानी निकाल के डालेंगे। पानी मत डालिएगा बिल्कुल, एकदम सूखा सूखा बनाइएगा जब ये आपके कबाब अच्छे बनेंगे। जितना पानी है सब उसको हम निकाल देंगे। देखिए पानी निकाल के हमने इसमें डाल दिया है और हर चीज़ ठंडी डालिएगा, गर्म कोई चीज़ मत डालिएगा। अब इसमें हम जो मैगी पकाई थी वो मैगी हमारी अब एकदम ठंडी हो गई, वो मैगी हम सामने डाल देते हैं। इसमें नमक डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे। इसको मिक्सर को हम हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, अब हम इसके कबाब की शेप देंगे। ये हमने हाथ में तेल लगा लिया है ताकि चिपके नहीं हाथ में। अब जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं इसको। हमारे सारे कबाब बनके तैयार हैं, हमने तेल पैन में रख दिया, अब हम इसको तलेंगे। 2 अंडे जो हमने लिए थे उसको हमने फेंट लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें कबाब डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अच्छे से डिप करेंगे। डिप करके इसको हल्की आंच कर देंगे, तेज़ आंच पे हमने गरम किया था, अब इसको हल्की आंच कर देंगे, तेज ज़्यादा गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह। कबाब हमारे तल गए और निकालते हैं इसमें। इसी तरह से हम सब कबाब तल लेंगे। लबनानी कबाब बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमको कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको कबाब कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।